तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, आज आपके लिए क्लास टेंथ का फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। तो आप क्लास टेंथ का सभी सब्जेक्ट का वीडियो इस चैनल पर मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल से सभी इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें, वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे दोस्तों। तो चलिए, पहला चैप्टर है दोस्तों प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रकाश किसे कहा जाता है दोस्तों, प्रकाश किसे कहा जाता है उसके बारे में जानते हैं। आखिर प्रकाश होता क्या है दोस्तों, हमारे जीवन में प्रकाश का क्या महत्व है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कि प्रकाश, तो प्रकाश वह कारक है दोस्तों, प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु के देखने के लिए हमें आवश्यकता होती है दोस्तों। किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है दोस्तों। मान के चलिए अगर हमारे जीवन में प्रकाश नहीं होता दोस्तों, मान के चलिए अगर प्रकाश नहीं होता दोस्तों, तो शायद हम लोग अंधे के अंधा होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? अंधे के समान होते हैं, समझे दोस्तों। अगर प्रकाश हमारे जीवन में यानी नहीं होता दोस्तों, तब हम लोग क्या थे? अंधे के समान होते दोस्तों। तो चलिए, प्रकाश की परिभाषा आप लोग लिखिए। प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु से, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं दोस्तों, किसी वस्तु को देख पाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल के मदद से आपको समझाते हैं कि प्रकाश आखिर हमारे जीवन में महत्व क्या है इसका। चलिए मान के चलिए दोस्तों, आपको किसी अंधेरी कोठरी में आपको भेज दिया जाता है दोस्तों, और आपका अगर आँख स्वच्छ व्यक्ति है दोस्तों, अगर स्वच्छ आँख है दोस्तों यानी उसको सब कुछ दिखता है, फिर भी अगर वह अंधेरी अंधेला में है दोस्तों, तो उसको कुछ भी वहां पर नजर नहीं आएगा दोस्तों। जब तक वहां पर एक बल्ब नहीं लगा दिया जाता है दोस्तों, तब तक आपको वहां पर कुछ नहीं दिखेगा दोस्तों। तो इसका साथ मतलब है दोस्तों कि प्रकाश, जब तक प्रकाश नहीं होगा दोस्तों, तब तक हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। इसलिए हमारे जीवन किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। जब तक प्रकाश किसी वस्तु से मान के चलिए, हम किसी वस्तु के कैसे देख पाते हैं दोस्तों, तो मान के चलिए कोई भी वस्तु है, तो प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है दोस्तों, तो वस्तु से पुनः परावर्तित होकर हमारे आंख के रेटिना पर पड़ता है दोस्तों, उसका प्रतिबिंब बनता है, तब वह वस्तु को हम देख पाते हैं दोस्तों। तो चलिए, आशा है दोस्तों कि आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों कि प्रकाश क्या है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों, गमन करती है। अगला पॉइंट है, प्रकाश एक सीधी रेखा में और निर्वात में रहता है। हाँ, एक क्वेश्चन यहां बनता है कि दोस्तों कि प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है दोस्तों। तो निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है दोस्तों, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड दोस्तों, पूछा जाएगा क्वेश्चन दोस्तों। और क्लास टेंथ में आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है भी दोस्तों कि प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे, 3.3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों निर्वात में दोस्तों। चलिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन भी करती है दोस्तों। चलिए, अगला टॉपिक है कि प्रकाश एक ऊर्जा है दोस्तों। तो कैसे है ऊर्जा दोस्तों?
चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। प्रकाश एक ऊर्जा है, अगला टॉपिक है दोस्तों प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा है। कैसे है दोस्तों प्रकाश एक ऊर्जा, या आपका टॉपिक है दोस्तों। तो प्रकाश एक ऊर्जा है कैसे पता चलेगा दोस्तों। तो जब भी देखते हैं दोस्तों कि जब भी किसी परिपथ में अगर परिपथ में जब भी किसी परिपथ में अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है दोस्तों, तो बल्ब जलने लगता है। यानी इसका तात्पर्य है दोस्तों कि यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है दोस्तों। यह क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का ऊर्जा भी है दोस्तों। इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि प्रकाश एक ऊर्जा भी है। चलिए अगला टॉपिक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। किरण पुंज आपको बता देंगे दोस्तों, पहला है किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि समांतर किरण पुंज किसे कहा जाता है दोस्तों, समांतर किरण पुंज किसे कहा जाता है। तो आपका लिखा है दोस्तों कि समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है दोस्तों। किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है दोस्तों, उसे ही समांतर किरण पुंज कहा जाता है दोस्तों। जैसे मैं आपको यहाँ पर